तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब गेम को। तो दोस्तों, इसको मैं चालू करने में तकरीबन 2 मिनट लग गए हैं, और ये कॉल ऑफ ड्यूटी है दोस्तों। पबजी तो हम लोग खेल नहीं सकते, पबजी बैन हो चुका है। जब रिटर्न आएगा तब खेला जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग इसको फ़िलहाल चालू करते हैं, थोड़ा नेटवर्क वीक है इसलिए समय लग गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्वालिटी मिलती है दोस्तों। इसमें हम लोग दोस्तों मल्टीप्लेयर खेल रहे हैं। तो क्वालिटी तो देखने से काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। क्वालिटी में तो कहीं है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसकी है, तो एमोलेड डिस्प्ले 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये आप देख सकते हैं कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फ्रेम भी इसका ठीक है, फ्रेम ड्रॉप भी नहीं हो रहा है। रिकनेक्टिंग हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, नेटवर्क का इशू है। दोस्तों जहाँ तक ये आप देख सकते हैं, यहाँ काफी अच्छी मोबाइल है। फिर रिकनेक्टिंग, तो आप इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी में कहीं से भी 19 तो नहीं है दोस्तों। सॉरी मैं मर गया। दोस्तों आप लोग भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि आप कौन सा गेम आप पसंद करेंगे कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, किस गेम पे आप चाहेंगे कि वन प्लस नॉर्ड में उसमें इंस्टॉल करके खेलूं। ज़रूर सजेस्ट करें दोस्तों, उस पर ज़रूर बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी जिस पर आप लोग करेंगे। अगर पबजी इंडिया में वापस आ जाता है दोस्तों, तो उस पर भी एक वीडियो जरूर आपको देंगे। तो बाकी ये थी कॉल ऑफ ड्यूटी की कुछ थी। सॉरी फ्रेंड, फिर रिकनेक्टिंग। तो आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी, आप देख सकते हैं कहीं पे भी गेम रुक नहीं रहा या कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का 765G लगा है और 290 Hz रिफ्रेश है, फुली एमोलेड डिस्प्ले है, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसमें मिल रहा है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा है, कौन सा गेम इसमें आउट खेला जाए, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।